हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ कंवल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं शीट मास्क। शीट मास्क हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? शीट मास्क हमारी स्किन को डिऑक्सीफाई करते हैं, एक्ने को ट्रीट करते हैं, ब्राइटर लुक देते हैं, स्किन को ग्लासी बनाते हैं। इन शीट मास्क को हमें अपनी स्किन के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। ये हमें स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। स्किन को रेस्ट देते हैं, हाइड्रेट करते हैं, ब्राइटनिंग देते हैं और नरिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पे सेंट ईव्स के जो दो शीट मास्क मौजूद हैं, एक तो सूदिंग वाला है, ये ओट मिल का बना हुआ है। मैं ये यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। मुझे स्किन से फाइन लाइंस रिमूव करनी है, स्किन को मॉइस्चराइज करना है और स्किन को हाइड्रेट करना है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी सेंट ईव्स की रिवाइटलाइजिंग मास्क का, जो अकाई ब्लूबेरीज और चिया सीड पे मुश्तमिल है। फ्रेंड्स, चिया सीड्स जो होते हैं एक बहुत ही अच्छी सोर्स होते हैं जिंक की और वाइटामिन B3 की, जो कि हमारी स्किन से जो ऑयल होता है उसको जज्ब कर लेते हैं और स्किन को जो है पोर्स फ्री बनाते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। चिया सीड स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हम बात करें अकाई ब्लूबेरीज की, तो ये एक इंच के टुकड़े इतना जो है वो लॉन्ग सा फ्रूट होता है। ये जो है रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट से, वाइटामिन से, इसके अलावा न्यूट्रिएंट से, स्किन को जो है अच्छे से ट्रीट करता है, रिवाइटलाइजिंग करता है, यानी कि कुव्वत जो होती है हमारी स्किन की उसको जो है तवाना रखता है। इसी वजह से मैं यही यूज़ करूँगी। इसमें इसके अलावा जो ब्लूबेरीज के अलावा इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स भी हैं, जो कि बहुत अच्छी सोर्स होते हैं हमारे स्किन के लिए। हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंट ईव्स का ये मास्क है, इसको हम ऊपर से कट कर लेंगे। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू है। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से जो है ना, और ये जो होता है सीरम से रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सीरम मौजूद होता है। हम इसको आराम आराम से खोल कर रखेंगे क्योंकि ये फट भी सकता है, क्योंकि ये सीरम में डूबा हुआ होता है तो इसमें फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ही आराम से जो है हम इसको अपनी स्किन पर रखेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ, और स्किन पे आराम आराम से इसको जो है ना हम लोग फिट कर लेंगे पूरे फेस पर। यहाँ पे मेरा थोड़ा बाल जो है वो फंस गया है, इसको मैं निकाल लूँ। अब देखें, इसको जो है मैंने पूरी जो अपना जो पूरा फेस है इससे मैं बहुत ही, मैं आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसको रख रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये, और जब हम इसको अपनी स्किन पे रखेंगे तो हम इसको बहुत ही आराम आराम से मसाज भी करेंगे। ये देखेंगे स्किन पे जो है पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अब इसका जो बचा हुआ सीरम है वो हम लोग निकाल लेंगे। ये देखें, ये सीरम निकल गया है। अब इसको जो है हम बहुत हल्के हाथों से अपनी नेक पे और अपने फेस पे जो है इसका मसाज करेंगे। ये जो सीरम है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा कि हाथों पे भी अप्लाई कर लेना चाहिए। 10 मिनट इसको रखना है, 10 मिनट के बाद हमें बहुत ही ग्लोइंग स्किन मिलेगी। हमें जो है फ़ौरन जो है फेस वॉश नहीं करना, हमें इसको छोड़ देना चाहिए ताकि सीरम जो है अच्छे से जो है हमारी स्किन के अंदर से जज्ब हो जाए। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो